बोले? दिस मीटिंग इज बीन रिकॉर्डेड। अरे यार ये किसने कर दिया उसका मतलब? अच्छा मुझे लगा कोई बच्चा बोल रहा है, मतलब तो बोल रहा है। ठीक है चलो शुरू करते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन शुरू किया तुमने आपने, आपने अपन ने कहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, रेडिएशन एब्जॉर्ब एंड इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। तो जो ब्लैक बॉडी होता है ना उस पर जो भी व्हाइट लाइट फॉल होगा, जैसे मान लो अपन कहेंगे कि भाई हमारे मेरी टी शर्ट पे, मतलब मेरी टी शर्ट रेड क्यों दिख रही है? क्योंकि विप की ओर जो व्हाइट लाइट है ना वो फॉल कर रहा है मेरे टी शर्ट पे, उसमें से रेड लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी एब्सॉर्ब हो जा रहा है। तो हमें कोई भी कलर वही कलर दिखेगा जो व्हाइट लाइट में से रिफ्लेक्ट होगा, बाकी कलर एब्सॉर्ब हो जाएंगे। तो फिर अपन ब्लैक बॉडी किसको कहेंगे? तो अपन कहेंगे जिसमें से अपन को कुछ भी नहीं दिखता, मतलब सारे के सारे व्हाइट लाइट जो है सारे कलर से एब्सॉर्ब हो जाए, कुछ भी रिफ्लेक्ट ना हो, उसको कहते हैं ब्लैक बॉडी। जैसे ये ब्लैक दिख रहा है, मतलब सारे के सारे व्हाइट लाइट पे सेवन कलर्स इसमें एब्सॉर्ब हो गए, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो वो ब्लैक दिखेगा। तो ये व्हाइट क्यों दिख रहा है? तो व्हाइट लाइट का सारे के सारे कलर इससे रिफ्लेक्ट हो गए, इसलिए वो व्हाइट दिख रहा है। तो अपन कहते हैं ब्लैक बॉडीज आर दोज बॉडीज, बॉडीज विच कैन और कैमरा जूम इन हो गया बहुत। विच कैन एब्सॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस, विच कैन एब्सॉर्ब ऑल टाइप ऑफ राइट ना ऑल रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट, फॉलिंग ऑन इट सो लुक्स ब्लैक। वो इसलिए ब्लैक दिखता है। और अगर अपन उसे हीट करेंगे ना, तो हीट करने से एंड इट ऑन हीटिंग विल इमिट ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस, ऑफ रेडिएशंस। तो जब अपन किसी ब्लैक बॉडी को हीट करेंगे ना तो वो सारे रेडिएशंस इमिट भी करता है। अकॉर्डिंग टू रेगले एंड जीन्स, है ना, द रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी, रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ, इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, ऑफ लाइट, इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, वी कैन से दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। एंड वी नो दैट कि अगर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी और एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, तो अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे देख भाई, अगर मैं सपोज इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, दिस इज द इंटेंसिटी, ये आई ले लेता है और यहां पर वेवलेंथ ले लेता हूं, लैम्डा को ले लेता हूं, यहां पर एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में ले लेता है वेवलेंथ, एमस्ट्रॉन्ग यूनिट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, वो अपन को पता है।
तो अपन कहेंगे भाई देखो यहाँ पर 0 ले लेते हैं या 2000 ले लेते हैं, एमस्ट्रॉन्ग यूनिट यहाँ पर 4000 ले लेते हैं या 6000 ले लेते हैं या 8000 ले लेते हैं, लेट देयर बी कनेक्ट। तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी या इंटेंसिटी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होना चाहिए, तो इस ग्राफ को अपन ऐसे बढ़ेंगे। तो व्हाट दे हैव डिस्कस्ड, उन्होंने ग्राफ को अपन को ऐसे बताया कि भाई ग्राफ ऐसे आएगा, अपन पढ़ेंगे ऐसे ग्राफ को कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम हो रही है तो इंटेंसिटी बढ़ रही है, यहां एक मैक्सिमा आ गया, उसके बाद कम होना शुरू हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि भाई यहां से ये यह ग्राफ यहां आ रहा है तो यहां के बाद अब ग्राफ को क्या होना चाहिए, बिकॉज अपन इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, अगर कोई ब्लैक बॉडी है मेरे पास, अगर मैं उसको हीट करूंगा तो इसको एनर्जी दूंगा जो इमिट हो रहा होगा, ये एनर्जी मैं इसको दे रहा हूं, इमिट होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, जितना ज्यादा एनर्जी दोगे उतना छोटा वेवलेंथ होता जाएगा। तो वेवलेंथ अपन को पता है क्या होता है, वेवगिवन, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है फिर छोटा, जितना एनर्जी बढ़ाते जाओगे वेवलेंथ छोटा होता जाएगा फिर यूवी में आ जाएगा, अपन को नहीं दिखेगा, मतलब इसके बाद भी वेवलेंथ होना चाहिए अगर हम उसे हीट करते हैं तो, इमिशन होगा लेकिन हमको दिखेगा नहीं। बट यहां पर ये टेम्परेचर T1 पे था, उन्होंने टेम्परेचर चेंज किया, दे गॉट लाइक दिस ग्राफ, टेम्परेचर T2 पे हायर टेम्परेचर था, T2 इज ग्रेटर देन T1। तो उन्होंने फिर इसको पढ़ा और उन्होंने कहा इस बार मेरा मतलब मैक्सिमा जो आया हायर टेम्परेचर पे, ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो वेवलेंथ इसके कंपैरिजन में ये छोटा हो गया मैक्सिमा पे। लेकिन मैक्सिमा के बाद ऐसा क्यों हो रहा है कि इंटेंसिटी कम हो रही है और वेवलेंथ छोटा हो रहा है, मतलब इंटेंसिटी कम हो रही है और वेवलेंथ भी छोटा हो रहा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे हो गया भाई, यहां पर इंटेंसिटी कम हो रही है और वेवलेंथ भी कम हो रहा है तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, यही इनके ग्राफ में फ्लॉस था। जबकि होना क्या चाहिए कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे वेवलेंथ मेरा छोटा होता जाएगा वो इंफिनिटी तक, अपन कहेंगे इसके बाद तो हमें दिखना भी बंद हो जाएगा ये ग्राफ, मतलब क्या आ रहा है। लेकिन इंटेंसिटी अगर अपन बढ़ाते जाएंगे तो ग्राफ को क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ये ग्राफ, ऐसे नहीं आना चाहिए। और उन्होंने ग्राफ ऐसे एक्सप्लेन करके वही उनका फ्लॉस था। अब एक तो उन्होंने क्या बताया अपन को, ये तो अपन को ऑलरेडी पता है, द एरिया अंडर द कर्व, रिप्रेजेंट्स द एनर्जी, मतलब इस टेम्परेचर पे कितनी एनर्जी है सिस्टम के पास वो इस एरिया से बताएंगे, टेम्परेचर बढ़ाया तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो उस एरिया से बताएंगे, represent the energy of body, जो भी एनर्जी अपन ने लेगा, जो भी बॉडी अपन ने अज्यूम कर रखा है उसकी एनर्जी वो एरिया अंडर द कर्व से अपन रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं। As temperature increases, जब अपन ने टेम्परेचर को इंक्रीज किया द एरिया अंडर द कर्व also increases. Because energy increases, because energy increases. But जो उसमें drawback था उसका, major drawback ये था, after the maxima, जो ये maxima या maximum intensity हो गया ना यहाँ पर, इस मैक्सिमा के बाद भी आप वेवलेंथ को डिक्रीज कर रहे हो और इंटेंसिटी को कम कर रहे हो, ये उसका मेजर ड्रॉबैक था। सो मैक्सिमा ग्राफ ऊपर होना चाहिए था ना, बिल्कुल, वो मतलब ओरिजिन पर पहुंच गया है, हाँ वो ऐसे होने चाहिए थे, मतलब यहां के बाद भी ऐसे होने चाहिए, जो बाद में अपन को प्लैंक ने समझाया जो अपन को जरूरी है, जो जिसके लिए अपन ये सब पढ़ रहे हैं। आफ्टर द मैक्सिमा द
वेवलेंथ डिक्रीजेस सर, लेकिन ये तो विद इंक्रीज ऑन इंटेंसिटी राइट ना। तो भाई अगर आप वेवलेंथ को डिक्रीज कर रहे हो और इंटेंसिटी भी डिक्रीज कर रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये इसका मेजर ड्रॉबैक था, विच इज एक्सप्लेन बाय प्लैंक। सो ये बाद में अपन, वो इंटेंसिटी डिक्रीज होगी ना, इंटेंसिटी डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि इंटेंसिटी तो लैम्डा से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा छोटा होगा तो इंटेंसिटी बढ़ना चाहिए, मतलब द ग्राफ शुड बी लाइक दिस। सर आप कर ये ग्राफ, फिर वो कम क्यों हो रहा है? हाँ तो वही तो फ्लॉज लिखा मैंने, ये उसका यही तो ड्रॉबैक है। सर लेकिन ये जो ग्राफ बनाया है ये किसी ना किसी रिजल्ट पर ही बनाया होगा ना सर, तो फिर फ्लॉ वो यहाँ तक पढ़ के छोड़ गए थे ना, ये उन्होंने बाद में अपने आप ज्वाइन कर लिया। ये ग्राफ ऐसे बन रहे थे राइट ना, उन्होंने बाद में इसको ऐसे कर लिया कि भाई ऐसे होता है, तो उन्होंने अपने ग्राफ ऐसे बना दिए तो अपन ने भी बना दिया, जबकि वो यहां तक ही बढ़ा रहे थे बस ग्राफ को। और इसके आगे क्या हो रहा था कि वो ब्रेक हो जा रहा था ग्राफ, तो उनको लग रहा था कि मतलब यहीं तक ग्राफ है, जबकि वो ग्राफ कंटिन्यूस ऐसे उधर ऊपर तक जाना चाहिए था अगर वो और पढ़ते तो, और उसको डेप्थ में स्टडी करते तो, जो अपन को प्लैंक ने बताया। प्लैंक ने अपन को बताया कि देख भाई इंटेंसिटी और वेवलेंथ जो आप ड्रॉ कर रहे हो, ये ऐसे ग्राफ कभी कंटिन्यूस ग्राफ नहीं आएंगे, ग्राफ थोड़ा ब्रेक हो के आएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस ग्राफ तो अपन को तब मिलेगा जब अपन किसी बॉडी को हीट करें, पहले रेड कलर आए, फिर ऑरेंज आए, फिर येलो आए, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट, और उसके बाद फिर दिखना बंद हो जाए। ये तभी पॉसिबल है ऐसे कंटिन्यूस ग्राफ। तो उसने कहा कि देखो भाई, कोई भी मटेरियल जो होता है, कोई भी एटम जो होता है, कोई भी पार्टिकल जो होते हैं, वो सभी टाइम के वेवलेंथ ना तो एमिट करते हैं और ना ही एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब कोई भी बॉडी ऐसा नहीं होगा ब्लैक बॉडी के अलावा जो सारे ही टाइप के रेडिएशन एमिट करे और सारे ही टाइप के रेडिएशन एब्जॉर्ब करे। तो ब्लैक बॉडी भी तो बना हुआ है किससे? पार्टिकल से ना। इसका मतलब है ये ग्राफ जो यहां ब्रेक हो जा रहा था उसके बाद भी कहीं ना कहीं ग्राफ कंटिन्यू रहा होगा, जो पार्ट वो नहीं पढ़ पा रहे थे, और उन्होंने सोचा ये मैक्सिमा आ गया तो चलो उसे ज्वाइन कर देते हैं। तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब बाद में जब उन्होंने बहुत पहले बताया था, अभी तो अपन अभी पढ़ रहे हैं, अपन को लग रहा है कि अच्छा गलत क्यों पढ़ा हमने, हाँ तो मॉडिफिकेशन हुई ना, तभी तो मैंने कहा इन्होंने तो इतना ही बताया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्टीफन और उसने तो बोल्ट्समैन ने पूरा बुक लिखा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे क्या होते हैं। सो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस यह है कि उन्होंने यहां तक ग्राफ को पढ़ के ये गलती कर दी थी। प्लैंक ने बताया कि देख भाई ग्राफ ब्रेक भी हो सकते हैं बीच में, क्योंकि कोई भी बॉडी कंटिन्यूअसली सारे रेडिएशन इमिट और एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो अपन कहेंगे अच्छा ऐसा है तो करके दिखाओ कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें अपन को ऐसा, जिसमें मुझे लगे हाँ ऐसा पॉसिबल है। चलो देखते हैं ग्राफ ब्रेक होने का मतलब क्या है। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक बॉडीज और यू कैन राइट सब्सटेंस, एक ही बात है, एमिट और एब्सॉर्ब्स, अपन ऐसे लिख लेते हैं यहां पर, डू नॉट एमिट और एब्सॉर्ब और एब्सॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस। कंटिन्यूअसली अब्सॉर्ब नहीं करेंगे कि भाई पहले वो रेड दिखेगा फिर वायलेट दिखेगा, क्योंकि अपन को पता है यहां से यहां एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी,
तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं अपन। अगर मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं एक हीटिंग ऑफ कुछ हीट करके देखता हूं, मैंने आयरन रॉड को हीट किया, तो हीटिंग ऑफ आयरन रॉड लिखता हूं। मेरे पास एक रॉड है, ये आयरन का रॉड ले लिया अपन ने। अब जब अपन इसे हीट करेंगे तो कलर्स चेक करते हैं क्या आएंगे, कलर ऑब्जर्व्ड ऑन हीटिंग, ऑब्जर्व्ड ऑन हीटिंग। तो जब अपन इसे हीट करेंगे तो जो कलर ऑब्जर्व होंगे, ऑब्जर्व करेंगे अपन, तो पहले तो शुरू में जब इसको गर्म करेंगे ना तो अपन को पता है डल रेड आ जाएगा, उसके बाद ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले ये रेड में कन्वर्ट होगा, बाद में वो अपन को येलो दिखेगा, ऑरेंज नहीं आता, और इसके बाद ये अपन को ब्लू दिखेगा। बस पहले ये रेड होगा क्योंकि पहले एनर्जी काफी कम होगी जब अपन ने हीट करना शुरू किया होगा, तो वो डल रेड था, जब और हीट किया तो रेड बन गया, और हीट किया तो येलो बन गया, और हीट किया तो ब्लू बन गया। लेकिन अपन तो ग्रीन नहीं आया, ऑरेंज नहीं आया, इंडिगो नहीं आया, वायलेट नहीं आया। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी बॉडी, जब अपन इसकी भी किसी भी बॉडी को हीट करते हैं तो अपन को सारे रेडिएशन सबमिट करके नहीं देता कि भाई देखो बिल्कुल ऐसे विज्ञान नहीं बनता कभी भी। आप किसी को भी हीट करके चेक कर लो, वो ऐसे नहीं होगा कि पहले रेड हो गया, फिर ऑरेंज हो गया, फिर येलो हो गया, फिर ग्रीन हो गया, फिर ब्लू हो गया, फिर इंडिगो हो गया, फिर वायलेट हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। इनमें से सर्टेन लाइट ही वो इमिट करेगा, सारे लाइट कभी इमिट नहीं करता कोई भी बॉडी। तो अपन कहेंगे ऐसा क्यों होता होगा भाई, क्योंकि सभी एटम का आयनाइजेशन एनर्जी अलग अलग होता है भाई। एटम्स हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो अलग अलग चाहिए सभी एटम का, क्योंकि उनका आयनाइजेशन एनर्जी डिफरेंट होता है। आयनाइजेशन एनर्जी डिफरेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, इनमें से किस कलर का एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होगा टू आयनाइज द एटम, आयरन एटम, वही दिखेगा ना अपन को, सारे थोड़ी दिखेंगे। तो प्लैंक ने बताया कि भाई देख, आप ये ग्राफ मुझे कंटिन्यूस तब दिखता जब कोई भी बॉडी को हीट करो या उसको मतलब राइट उससे हीट करने से या वो इमिट उस पर लाइट फॉल करने से, सारा कंटिन्यूस सबको तब दिखना चाहिए जब उस बॉडी को क्या करे वो रेड ऑरेंज येलो ऐसे कंटिन्यूस दिखता रहे। अगर डिफरेंट एटम का सपोज करते हैं अपने पास कि भाई मैग्नीशियम है, अपन को पता है मैग्नीशियम अगर है, मेटल की बात कर लेते हैं, तो 282 आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। अब ये लास्ट के दो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैग्नीशियम में जो अपन लिखते हैं, लास्ट के दो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसमें दो इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों को निकालने के लिए एनर्जी एक जैसा थोड़ी यूज होगा, अलग अलग होगा ना। मान लो इसको निकालने के लिए अपन को एनर्जी चाहिए हमको 580 किलो जूल्स, ठीक है भाई, तो इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लो और देख लो कि कितने किलो जूल्स में कितनी एनर्जी कौन सा लाइट आना चाहिए। और इसको निकालने के लिए ऑब्वियसली बात है हमको 1500 किलो जूल्स के आसपास चाहिए। तो दोनों में एनर्जी अलग अलग है तो दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है। अब इन दोनों के अलावा बाकी जो एनर्जी है 580 से लेके 1500 तक, वो एमिट नहीं करने वाला मैग्नीशियम, क्योंकि ना तो वो उसे एब्जॉर्ब करेगा ना उसे एमिट करेगा, ना तो वो उसे एब्जॉर्ब करेगा ना ही उसे एमिट करेगा। ये हमको प्लैंक ने बताया, आगे जाके अपन पढ़ने वाले हैं बोर थ्योरी में, इसलिए मैंने प्लैंक थ्योरी पढ़ाना है क्योंकि बोर थ्योरी में प्लैंक का यूज होगा, क्योंकि एटम के बारे में पढ़ना है ना अपन को, तो ऑब्वियस सी बात है हमें बोर थ्योरी यूज करना पड़ेगा। तो ये अपन को प्लैंक ने बताया कि भैया देखो ऐसा नहीं होता कि इसको 580 चाहिए, इसको 581 चाहिए, थर्ड वाले को 582 चाहिए, वो कंटिन्यूस हो गए। एक फिक्स एनर्जी चाहिए और जो फिक्स एनर्जी के जो फिक्स वेवलेंथ होंगे वही इमिट होंगे बस। और इनको शुरू में बिकॉज बहुत पहले पढ़ा था इन्हें तो रेगुलर जींस ने, तो उनको लग रहा था सब कुछ कंटिन्यूस होता होगा, तो वो उनका फ्लॉ था, वो उनका ड्रॉबैक था। जो प्लैंक ने उनको बताया कि भैया ऐसा नहीं होता, आप आयरन रॉड को गर्म करके देख सकते हो,
घर में मतलब स्टोव पे ना आप देख सकते हो, उस पे आपके घर में जो कुकिंग गैस सिलेंडर होता है ना उसमें से देख सकते हो आप आराम से कि हाँ देखो आयरन में ऐसे अपन को ग्रीन नहीं कभी दिखा और ना ही कभी अपन को ऑरेंज दिखेगा वो। तो वी आर एबल टू टेल कि अच्छा प्लैंक ने अपन को बताया कि देख भाई कोई भी सब्सटेंस जो रेडिएशन है वो कंटिन्यूअसली इमिट नहीं करता, नॉट ओनली सब्सटेंस इवन द सन, सन से जो रेडिएशन आते हैं अपने ऊपर जो फॉल होते हैं ना वो कंटिन्यूअस रेडिएशन नहीं फॉल होते हैं, वो पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं। हमको एक पैकेट मारेगा वो दूसरा पैकेट मारेगा वो थर्ड पैकेट मारेगा वो ऐसे होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता। अगर कंटिन्यूअस रेडिएशन होता तो अपन को फिर ज्यादा गर्मी कम लगती है, अपन को फिर जो अपन गर्मी लगती है ना लाइट के फॉल होने से अपने ऊपर, ज्यादा ब्राइटनेस होता तो ज्यादा गर्मी लगती है, कम ब्राइटनेस होता तो कम लगती है, उसका रीजन होता फिर तो अपन को कम गर्मी ही लगती हमेशा क्योंकि कंटिन्यूअस रेडिएशन से। दोपहर में जाओगे तो वो फ्रीक्वेंसी पैकेट में एनर्जी ज्यादा है हमको देगा घुमा के तो हो गया, जैसे अपन कहते हैं ना बल्ब के पास ले जाके हाथ ऐसे करो ना तो उस पर क्या होगा, पास ले जाके करोगे तो गर्म हो जाएगा, मतलब फोटॉन्स जो बाहर आ रहे हैं वो अपने काइनेटिक एनर्जी को इसमें हिट करके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है हमको ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ये पता चल गया जो रिग्ले और जींस कर रहे थे कि भाई ये गलत था। प्लैंक ने कहा कि देखो, तो प्लैंक ने इसी पार्ट को यूज कर लिया कि अरे गलत क्यों आ रहा है, गलत आने का रीजन था कि कभी भी कोई भी सब्सटेंस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम शो कर ही नहीं सकता, जब उसे हीट करोगे तो वो डिसकंटिन्यूअस शो करेगा, और उन्होंने इसको कंप्लीटली कन्वर्ट करते रहे क्योंकि उनको विजिबल के बाद उसको दिखना बंद हो गया, तो उसने कहा चलो अब जीरो से उसको, क्योंकि ऐसे डिक्रीज हो रहा होगा तो उसने लगा बाद में भी जीरो तक जाता होगा तो उसने ऐसे कर दिया, जबकि वो सारे ग्राफ ऐसे जाने चाहिए थे भाई, आप तो एनर्जी बढ़ाते जाओ वेवलेंथ छोटे करते जाएंगे। तो इसलिए हमको थोड़ा सा डिस्कस करना होगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसने क्या बताया अपन को लाइट के बारे में। हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला कभी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होते हैं, हमसे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला कि व्हाट इज ब्लैक बॉडी और जेई वगैरह में, अभी इनिशियली हो सकता है क्योंकि सिलेबस कम है तो एक आध क्वेश्चन को पूछ ले वो भी मतलब एग्जाम वगैरह में, मेंस और एडवांस में नहीं आने वाला, मेंस और एडवांस में हमको ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आएगा। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्यों आया, क्योंकि ये गलती कर रहे थे उसने उसको मॉडिफाई किया, तो उसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने देखते हैं अपन ने क्या एक्सप्लेन किया उसने वो अपन देखते हैं। सो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देखते हैं अपन, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अपन पढ़ेंगे, दैट इज। तो इसमें अपन थोड़ा सा बस ये जो पॉइंट्स लिखे ना मैंने एरिया डाला, ड्रॉबैक्स रब मत कीजिए, हाँ वो नहीं करूंगा चलेगा। सर मुझे एक छोटा सा डाउट था, बिल्कुल पूछो। ब्लैक बॉडीज सारे रेडिएशन अब्सॉर्ब करते हैं पर एमिट नहीं करते, ऐसा है क्या? हाँ उसमें मतलब अपन भूल तो देते हैं कि करते हैं लेकिन ग्रीन नहीं करते वो, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन में वही लिखा हुआ था कि वो सब कुछ अब्सॉर्ब करते हैं, हाँ लेकिन वो ग्रीन नहीं करते हैं। सर मतलब वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है ना उसका एनर्जी कौन से वेवलेंथ में फॉलो करता है। नहीं लेकिन अपन को देखो कई बार क्या होता है ना कि मैं मतलब तुमको वही चीज बताऊं जो अपने एग्जाम में आएगा, अपन को वही चीज बताना है आपको जो आपके एग्जाम में आएगा, और ऐसी कोई भी चीज मत रखो जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो, क्योंकि एक बार आपका थोड़ा धीरे धीरे ना आप लोग मैच्योर्ड हो जाओगे कि अच्छा सर के साथ हमें ये समझना ही पड़ेगा, तो फिर मैं उस टाइम पे आके कुछ सेंटेंस ऐसे बोलूंगा कि हाँ ये भी ऐसा हो सकता है ये भी ऐसा हो सकता है, और जब मैं जस्टिफिकेशन दूंगा ना आपको तो आपके पास बहुत सारी केमिस्ट्री होगी कोरिलेट करने के लिए, तो आप उसे जस्टिफाई कर पाओगे हाँ यार सर सही बोल रहे हैं, क्योंकि सारी जगह तो अपन ने यही पढ़ा। अभी अगर मैं किसी चीज को आपको इस एक्सेप्शन और हाई फाई बताना शुरू करूंगा तो आपको लगेगा सर पता नहीं होता होगा, हमने तो कभी सुना नहीं, ना ही हमें लग रहा है कि ऐसा होता होगा। तो वो एक चीज है कि मुझे ना तुम लोगों के लेवल पर जाके ही सोचना पड़ता है कि तुम क्या सोच रहे होगे भाई, हमें तो बस यही चेक करना है कि तुम क्या सोच रहे होगे, तुम्हारा जो सोच है मैं उसी के हिसाब से नेक्स्ट। सर वेट, मुझे नेक्स्ट सेंटेंस, हाँ बोल बोल। सर लिखा ही नहीं था ड्रॉबैक्स, जाने दे फिर कोई बात नहीं ना, तो है ना अपने पास इससे लिख लेना ना बाद में,
मैं भेज दूंगा तुझे, वो भेज दूंगा स्नैपशॉट इसका, ओके सर ठीक है ना, तो वो वैसे लिख लेना, वैसे अपने पास ये अपलोड तो कर ही रहते हैं उस पार्ट में, लिख लेना कोई प्रॉब्लम नहीं। चल क्वांटम थ्योरी, क्योंकि फिर अपन डिले नहीं, लेट नहीं करेंगे ना, अपन वैसे भी मनी खत्म होने वाला है अपना, आधा एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं हुआ। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं। अभी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में मिल सकता है, अब अभी उसने एक्सप्लेन तो किया ही है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक बॉडीज एमिट एंड एब्सॉर्ब रेडिएशंस डिसकंटिन्यूअसली। डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ दैट इज क्वांटा ऑफ लाइट, इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स लिख सकते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। सर कैमरा, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, देन वी कैन राइट दैट बंडल्स ऑफ एनर्जी, क्वांटा इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनर्जी, स्मॉलेस्ट बंडल ऑफ एनर्जी, द स्मॉलेस्ट बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा, ये इस फॉर्म में अपन बता सकते हैं। तो प्लैंक ने अपन को बताया कि जो बॉडीज होते हैं वो जो रेडिएशन को एब्सॉर्ब करेंगे तो वो डिसकंटिन्यूअसली होगा, मतलब पहले एक पैकेट एब्सॉर्ब करेगा, फिर दूसरा पैकेट एब्सॉर्ब करेगा, फिर थर्ड पैकेट एब्सॉर्ब करेगा, डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ उसकी पैकेट की एनर्जी होगी। तो एनर्जी ऑफ ईच पैकेट इज अकॉर्डिंग टू हिम, एनर्जी ऑफ ईच पैकेट, each packet or quanta is directly proportional to its frequency, uska jo frequency hoga usse proportional hoga, energy of each packet or quanta hai, maine each likha hua hai wahan par, each packet or quanta is directly proportional to frequency, therefore energy of one bundle jo hota hai that will be directly proportional to frequency of that packet or bundle or quanta of energy, so e will be equal to h nu, where h is, nu is a frequency, we know that, h is Planck constant, so where h is Planck constant h का वैल्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू 6.626 इनटू 10 टू द पावर ऑफ -34 जूल सेकंड्स, तो ये एमकेएस वैल्यू होगा क्योंकि जूल से एमकेएस यूनिट होता है, सीजीएस में भी लिख सकते हैं लेकिन अपन को फिर जूल्स को अर्ग्स में कन्वर्ट करना होगा, और जूल्स को अर्ग्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं अपन को पता है, मैं आपको एनर्जी के यूनिट्स भी बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिस इज एनर्जी ऑफ वन क्वांटा, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, देयरफॉर एनर्जी ऑफ वन क्वांटा विल बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इसको, एंड द एनर्जी ऑफ एन क्वांटास, इफ एन नंबर ऑफ क्वांटास, नंबर ऑफ क्वांटा is absorbed by the body, by body, then total energy will be equal to, भाई एक का एनर्जी ये था तो अगर n नंबर ऑफ क्वांटा एब्सॉर्ब किए तो n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस मच। तो एक बार अपन यूनिट की बात कर लेते हैं क्योंकि आप यूनिट में भी गलती कर सकते हो, है ना, आप यूनिट में भी, एन तो नंबर है, आप यूनिट में भी गलती कर सकते हैं, इसलिए मैं यूनिट की एक बार बात कर लेता हूं, मोस्टली तो आप यूनिट में ही गलती करते हैं,
अगर हम यूनिट की बात करें तो एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, अपन एक एन तो नंबर होता है, इसमें यूनिट चेक कर लेते हैं। c is velocity of light, we know that that frequency is equal to mu, c by nu lambda hota hai, c is velocity of light in that. to main mks unit ki baat kar leta hu, to ye to apne liye h to joule seconds ho gaya aur velocity of light to meter per second hoga aur lambda ko apan meters mein le lenge, ye cancel ho gaya, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास एनर्जी जूल्स में आ जाएगा, दैट इज द एमकेएस यूनिट ऑफ एनर्जी, ये अपन को पता है। एनर्जी का कन्वर्जन फैक्टर भी अपन को पता है, एनर्जी का कन्वर्जन फैक्टर होता है 1 joule is equal to 10^7 अर्क्स। इसलिए मैंने कहा था अगर आपको इसे अर्ग्स में लिखना है तो आप 34 से 7 माइनस कर लेना तो 27 अर्ग्स हो जाएगा, 10^-27 अर्ग्स सेकंड्स हो जाएगा। फिर 1 calories is equal to 4.187 जूल्स होता है, आप 4.2 लिख सकते हो उसको एनर्जी के यूनिट को। एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन उसे ईवी से डिनोट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, दैट विल बी इक्वल टू 1.602 × 10^-19, ये तो ई हो गया, और पोटेंशियल ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कूलम्स में होगा, इसको अपन मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स अपन ले लेंगे जो भी अपन को गिवन होगा वाट्स वगैरह में, तो दिस विल बी इक्वल टू इक्वल राइट दैट डायरेक्टली, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है तो आप उसे जूल्स में लिख सकते हैं, क्या होगा दैट इज इक्वल टू जूल्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स वी आर एबल टू राइट, पर वो आपने अभी बोला था कि पोटेंशियल से ये 1 हो गया पोटेंशियल और ये हो गया ई चार्ज कूलम्स में, 1 पोटेंशियल 1 जूल्स हो गया इसको वोल्ट में लिखेंगे दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो जाएगा ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया कूलम्स में और ये पोटेंशियल हो गया पोटेंशियल वोल्ट्स में, तो जूल्स कूलम इनटू वोल्ट इज इक्वल टू होता है जूल्स, तो अपन ने लिख लिया। ओके सर, अब एनर्जी का एक यूनिट और बताऊंगा मैं, लेकिन उसकी जरूरत हमें जब पड़ेगी तो अपन देख लेंगे, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू होता है 23.06 किलो कैलोरीज पर मोल एंड दैट विल बी इक्वल टू 95.6 किलो जूल पर मोल। राइट, 95.6 किलो जूल्स पर मोल अपन ऐसे बता देंगे। नाइन्टी सिक्स पॉइंट फाइव के आसपास आता है, 96.5 किलो जूल पर मोल, बिकॉज वो थोड़ा सा भी अगर चेंज आएगा ना, तो अगर थोड़ा भी चेंज आएगा तो फिर मतलब आंसर में तुम लोग कहोगे सर आसपास आ रहा है, वैसे नहीं आ रहा। ये यूनिट तो अपन थोड़ा मतलब बाद में यूज करेंगे, लेकिन एक्सटेंसिवली यही यूज करेंगे अपन, अभी अपन छोटे छोटे ये वाले यूनिट यूज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। वैसे तो अपन को एनर्जी जूल्स में ही मेनली कैलकुलेट करना है, और जूल्स को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है तो वी नो दैट हाउ टू कैलकुलेट। अब एक बार मैं मतलब ऐसे लिख सकता हूं, जैसे अगर अपन नोट करके ऐसे लिखे, मान लो अपन को कन्वर्जन करना है, क्योंकि मैं काफी सारे क्वेश्चंस भी दूंगा और ये एनर्जी ये फॉर्मूला अपन को अब काफी यूज भी करना है। बॉक्स में है वो क्या है, क्या बॉक्स में जो अपनी यूनिट लिखा है,
हाँ, ये यूनिट मैंने कहा, ये कन्वर्जन जो है वो 3 पार्ट में, वो क्या है मतलब, यूनिट कन्वर्जन है और क्या है? नहीं सर, पर एटम। हाँ तो पर एटम मतलब एक एटम के लिए कहेंगे ना, तभी तो मैंने कहा इसको अपन बाद में यूज करेंगे, लेकिन एनर्जी कन्वर्जन है, इसको ध्यान रखना। हटा दूं? हटा देता हूं, तो ये हटा दिया, ठीक है ना? क्योंकि कभी कभी इसलिए ना, जल्दी जल्दबाजी में मैं कुछ मतलब ज्यादा ऐसे मतलब बताना नहीं है, छोटा छोटा पार्ट बताना है आपको कि आपका जितना एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो यूनिट कन्वर्जन था, आप कहते हैं 1 जूल पर 10 की पावर 7 अर्थ लिखा, वो क्या है? कन्वर्जन है। तो यूनिट कन्वर्जन, तो यूनिट कन्वर्जन था, जिसने लिखा होगा वो लिखा रहने देना, अपन उसे यूज करेंगे। तो ई इज इक्वल टू लिखेंगे अपन ऐसे एच सी बाई लैम्डा। अब अपन को पता है कि एच और सी तो कांस्टेंट है ना, एच 6.626 इंटू 10^-34 जूल सेकंड हो जाएगा, और सी हो जाएगा 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड, और डिवाइड बाय लैम्डा। तो आप ये दोनों तो कांस्टेंट है ना, आप सिर्फ ई और लैम्डा का ही तो रिलेशन बताओगे। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी नियरली ये 19.878 आएगा, दोनों 19.878, और इसको चेक करूंगा तो 10^-26 हो जाएगा, 878 और मल्टीप्लाई 10^-26 बचेगा, और ये लैम्डा। अब एनकेएस यूनिट में अपन क्या करेंगे, इसको इसको तो नियरली 20 लिख सकते हैं, इसको नियरली 20 लिख सकते हैं। तो एमकेएस यूनिट अगर आपने लिया तो ऑब्वियस सी बात है, आपने इसको जूल सेकंड्स लिया, इसको मीटर पर सेकंड लिया, तो इसको भी मीटर में लिया होगा। तो मैं चाहता हूं कि ये ना एमस्ट्रांग यूनिट में कन्वर्ट हो जाए। तो पर कहेंगे ठीक है, एमस्ट्रांग यूनिट में अगर कन्वर्ट करना है मीटर को तो क्या करना होगा? × 10^-3 है ना, तो अपन कहेंगे x × x × 10^-10 कर लेते हैं, तो x जो होगा वो राइट ना, तो अपन × 10^-10 अगर इसे कर लें तो ये एमस्ट्रांग यूनिट में आ जाएगा, -10 कैंसिल कर लो, -10 अगर कैंसिल करूंगा तो 19.8। अब इसको ना नियरली 20 ले लो कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ठीक है 20 ले लेता हूं, 10^-16 आ गया। अब ये जो लैम्डा आया ना अपने पास, ये एमस्ट्रांग में है, अपन को याद रखना पड़ेगा। अब तुम मुझे ये बताओ कि इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं, ये जो जूल्स में आया एनर्जी अपने पास है, क्योंकि ये मीटर तो आपने कैंसिल कर लिया, मीटर आपने एमस्ट्रांग, ये सेकंड पर सेकंड सर मीटर कैंसिल नहीं होगा, रुको 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 रुको, एमस्ट्रांग यूनिट में बना दिया अपन ने मीटर को, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कैसे कन्वर्ट करूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना होता है, ये जूल है अपने पास, तो इस वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं, इस वैल्यू को, क्योंकि अभी ये जूल मीटर है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कैसे कन्वर्ट करूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सर, पर मीटर भी है ना, खाली जूल्स नहीं है किसमें, तो मीटर को अपन कन्वर्ट कर चुके ना, ये वाला मीटर था ना यहां पर, तो एंगस्ट्रॉम यूनिट में बना तो लिया अपन ने, ये मीटर खत्म कर दिया ना अपन ने सर, ऊपर वाला भी तो मीटर है, 3 × 10^8 मीटर। सर सिर्फ डिनोमिनेटर का मीटर एमस्ट्रांग में चेंज किया, लेकिन न्यूमरेटर का मीटर, हाँ तो अपन ने जूल्स को कन्वर्ट कर लेना अपन, कि भाई ये दोनों कांस्टेंट थे ना, तो जूल्स था, अभी अपने पास जूल्स है, तो इस जूल्स को ही कन्वर्ट कर लेते हैं, और मीटर मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो अपन ऐसे कर लेते हैं फिर, ये लो भाई लिख देता हूं मैं, लैम्डा को मैंने एमस्ट्रांग यूनिट में कन्वर्ट किया, लो कर दिया, एक्स एमस्ट्रांग यूनिट 10^-10 मीटर्स, हो गया।
भाई ये एमस्ट्रॉन्ग यूनिट को कन्वर्ट कर लिया ना आपने मीटर्स में, बोलो सर। नहीं समझा, नहीं समझे? नहीं समझा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करना आ गया, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना आ गया आपको ऐसे लैम्डा और ये भाई आपको एच सी का वैल्यू पता है और लैम्डा भी आपको पता है। अगर ये दोनों एमकेएस में लोगे तो इसको भी एमकेएस में लेना पड़ेगा। सर लैम्डा तो मीटर में था ना, फिर उसको एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमरेटर में मीटर ही रहेगा। नहीं अपन तो कोई बात नहीं ना, मतलब अपन ऐसे कर लेते हैं ना, कोई बात नहीं, अब जाने दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार होता ना थोड़ा जल्दी बता दो कोई चीजें तो गड़बड़ होती है वो, तो अपन ऐसे करेंगे अपने पास इसको जो ये जूल सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड है, ये मीटर है, ऐसे हो गया ठीक है, ये बन गया अपने पास। तो इसको अपन ना एमकेएस यूनिट में यूज करेंगे, मीटर कैंसिल हो जाएगा, जूल्स बचेगा वो आपने बता दिया था यहाँ पर। ये एनर्जी में अपन को वैल्यूज ऐसे सब्स्टिट्यूट करने हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट थोड़ा ध्यान रखो, ताकि अपन को बता रहे कि वो 20 होता है, तो अपन कैलकुलेशन जल्दी कर लेते हैं ठीक है। तो चलो फिर कैलकुलेशन ही करते हैं, लिखो भाई क्वेश्चन लिखो फिर, है ना, क्वेश्चन लिखते हैं अपन। सर वो जो अभी आपने रब किया तो उसमें जो आया था उसको अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हम उसे 1.602 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड कर देंगे ना? बिल्कुल, तो एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बन जाएगा डायरेक्ट, लेकिन अपन को यह पता रहना चाहिए कि ये एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन अभी रुक जाते हैं बेटा शॉर्टकट मारने में, क्योंकि शॉर्टकट लगाने में ना कई बार गड़बड़ हो जाता है। वो शॉर्टकट मार रहा था मैं बहुत, मतलब बढ़िया, बहुत जबरदस्त शॉर्टकट था वो, लेकिन उस शॉर्टकट में ना कई बार ऐसे होता है जब कंफ्यूजन हो तो वो शॉर्टकट नहीं मानना चाहिए, पहले आराम से पढ़ो उसके बाद ही शॉर्टकट में जाना। जब तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो परेशान करके रख दिया है, तुम सारे यूनिट से फैमिलियर हो गए, क्वेश्चन से फैमिलियर हो गए, अब शॉर्टकट बताओ, तो वो शॉर्टकट अब देखेंगे कब बताऊंगा, अब देखते हैं अपन, है पहले चलो देखते हैं अपन। तो अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं सीधा, लो भाई कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन विच हैज अ वेवलेंथ ऑफ, विच इज एसोसिएटेड विद द वेवलेंथ ऑफ, एसोसिएटेड विद द वेवलेंथ ऑफ, है ना, वेवलेंथ ऑफ 2000 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। चलो भाई कैलकुलेट कर दो जरा जल्दी से, कांस्टेंट आपको पता है, वेवलेंथ आपको गिवन है, जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। पास यूनिट वैल्यू सारा कुछ सामने लिखा हुआ है, -10^-28 तो गलत है, -18 आ रहा है, 10^-18 hc / लैम्डा -8 जूल्स। अब देख लो भाई 6.626 × 10⁻¹⁹ माइनस था अपने पास 34 जूल्स। एमकेएस यूनिट ले लेता हूं, 3 × 10⁸ / 2000, ये तो एमस्ट्रॉन्ग यूनिट है तो मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि एमकेएस 9.39 जूल्स, तो मेरे पास आया 20 × 10⁻¹⁶ बचा डिवाइड बाय 2000, तो मैं 10^-20 कैंसिल कर लेता हूँ, 110^-18 जूल्स आ गया। यस सर। लो भाई आंसर आ गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं अपन। लिखो दूसरा क्वेश्चन। कैलकुलेट द वेवलेंथ। कैलकुलेट द वेवलेंथ। दूसरा क्वेश्चन लिखो।
कैलकुलेट द वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन विच हैज अ एनर्जी ऑफ, विच हैज अ एनर्जी ऑफ 10^-17 joules. 10^-17 joules. 10^-17 joules. सर बोलो सर, ये 200 एंगस्ट्रॉम आएगा? नहीं, 200 आ रहा है, देख लो, वैसे सही हो सकता है, 200 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। लो भाई, एनर्जी अपने पास E is equal to HC by lambda यूज किया, तो एनर्जी अपन को अवेलेबल है कितना, 10^-17, ये था अपने पास 20 × 10^-26 डिवाइड बाय लैम्डा बताना था, 17 हटा देते हैं, तो कितना लैम्डा 10^-10 ना, लैम्डा बताना है तुमको, तो ये मीटर्स में आ जाएगा अपने पास। किसी को डाउट है तो देख लो भाई, 6.626 × 10^-34 × 3 × 10^8 वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय लैम्डा अपन को कैलकुलेट करना है, एनर्जी अपन को गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10^26 आ गया, 26 में से 17 माइनस कर देता हूँ तो 7 बचा, so lambda in meters will be equal to 10^-20 × 10^-7, right? Yes, sir. नहीं, 9 आएगा, -9. तो ये आ गया मेरे पास meters, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 200 × ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10^-10 meters, मतलब मैंने क्या किया इसमें ही 10 और 10 से ऐसे डिवाइड कर दिया, तो 2 × 10^-10 meters आ गया, इसको ऊपर लेके गया, इसको 200 बना दिया, तो मेरे पास 200 एंगस्ट्रॉम यूनिट आ गया। लो भाई आंसर है, सबको समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट calculate the number of photons, calculate the number of photons of wavelength, calculate the number of photons of wavelength 200 nanometers are required to produce, 200 nanometers required to produce the energy of 10^-16 joules, the energy of 10^-16 joules, जो अपन को वेवलेंथ गिवन होता है उस वेवलेंथ से अपन, वेवलेंथ जो गिवन होता है उससे अपन एक फोटोन की एनर्जी निकालते हैं, जो भी अपन को वेवलेंथ गिवन होता है क्वेश्चन में हमेशा उससे अपन एक फोटोन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एन फोटोन का और उस वेवलेंथ से अपन एक फोटोन का एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी वेवलेंथ अपन को गिवन होता है, तो अगर एन कैलकुलेट करना है तो उनको पता है क्या करना है। सर 100 है क्या?
सर 100 है। मेरे ख्याल से 100 आंसर होगा। यस सर 100 है, क्योंकि वो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लिया था कि वो 10 आना है अगर मैं ये डाटा देता हूँ, इसलिए मैंने नैनोमीटर्स कर दिया, क्योंकि वो नैनोमीटर्स होगा तो वी नो दैट 200 नैनोमीटर्स का मतलब है 2000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो वो चेक कर लिया था मैंने कि 100 के आसपास आंसर 100 आना चाहिए। तो इसको अपन 10 की पावर माइनस 16 गिवन है अपन को जूल्स, n कैलकुलेट करना है और hc / लैम्डा ना, सो h और c तो अपन को पता है 20 * 10 की पावर माइनस 26 होता है एमकेएस यूनिट में, और लैम्डा h और c होता है 6.626 * 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड्स, 3 * 10 की पावर 8 और डिवाइड बाय करेंगे लैम्डा इज 200। सर सर वो 20 * 10 की पावर 26 है ना, डायरेक्ट कर सकते हो? मैंने कब कहा कि नहीं कर सकते, जब मैं डायरेक्ट करता हूं तो तुम लोग मतलब गड़बड़ कर देते हो, फिर पूछोगे सर ये कैसे आया, इसलिए मैंने उसको वैसे लिखा, लिखा ही तो था मैंने वैसे पहले। नहीं सर वो मतलब आपने तुरंत बता दिया था ना तो कंफ्यूज हो गए थे, मतलब अच्छा समझ में नहीं आया था, तो वो धीरे धीरे समझ चलेगा, क्योंकि मुझे भी ये लगता ना कि कहीं से भी मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अभी नहीं समझोगे बाद में समझोगे कोई बात नहीं, वेट करते हैं, लेकिन मुझे कंफ्यूजन कहीं से भी नहीं चाहिए, कंफ्यूजन होगा तो अपन को दिक्कत हो जाएगी। ठीक है तो ठीक है अपन सबको ये आंसर आ गया, 100 आ रहा सबका आंसर, किसी का आंसर अगर नहीं आ रहा है तो बताओ फिर कैलकुलेशन करते हैं, सबका आंसर आ गया। चलो भाई अब दूसरा क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द frequency and wavelength, calculate the frequency of wavelength of light, sir kya calculate the frequency and wavelength of light radiations, calculate the frequency and wavelength of radiation of light if the energy of photon is, if the energy of photon is 3.4 electron volt, if the energy of photon is 3.4 electron volts, सर आप वो पहले वाला एक बार सॉल्व करके दिखा सकते हो? कौन सा पहले वाला सर? ये कौन सा वाला? ये वाला 100 जिसमें आया आंसर? हाँ सर लो आ गया भाई, इसमें आप इन दोनों को कैंसिल करो, ये पूरा ऐसे आ गया 20 into 10 की पावर माइनस 26, ये 16 है और ये 10 आ जाएगा माइनस 10, तो इधर n है तो अपने पास क्या बचेगा, इसको उधर ले जाते हैं तो 200 into 10 की पावर माइनस 9 बचा, ये 20 into 10 की पावर माइनस 10 बचा और into n बचा, तो इधर अपन क्या करते हैं कि भाई ये 20 और ये 10 से कैंसिल हो जाए, तो 10 into 10 की पावर माइनस 9 है और ये 10 into 10 की पावर माइनस 10 है, मतलब 10 by 0.1 हो गया। ये लो भाई सॉल्व हो गया। ओके सर अगर किसी को डाउट होगा तो पूछेगा। 3.4 और 6.626 को कैंसिल कर सकते हैं। 3.4 और 6.6 को कैंसिल कर दें। 2 से? हाँ, ऑलमोस्ट कर ही सकते हैं। हाँ सर। कर दे। कैलकुलेशन तो अपन थोड़ा इजी रखेंगे।
चेक करूं। अब देख अपन ने तो सिर्फ इसमें पढ़ा हुआ है भाई एनर्जी इज इक्वल टू अपन लिखते हैं जैसे जूल्स में, अपन तो एच सी बाई लैम्डा ऐसे लिखते हैं, और अपन को पहले अपन को पता है कि भाई इसमें जूल्स और सेकंड होता है, इसमें मीटर पर सेकंड और इसमें मीटर होता है। यहाँ तो एनर्जी अपन को गिवन है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अपन क्या लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.602 × 10⁻¹⁹ जूल्स, ये आपने अभी दिया था, ठीक है ना, दिया था ना सर, आंसर आ गया, आंसर ही आ गया, एक मिनट रुक जाओ बेटा मैं ये बता दूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, कहेंगे 1.602 × 10⁻¹⁹ डिवाइड बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 3.4, इतना जूल्स हो जाए, तो अपन को एनर्जी जूल्स में पता चल गया ये है। अब बस लैम्डा कैलकुलेट करना है तो मीटर्स में कैलकुलेट कर लेंगे, बोलो सर फ्रीक्वेंसी 8 × 10⁻¹⁷ नहीं फ्रीक्वेंसी कितना आया और लैम्डा, पहले फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी 8 × 10⁻¹⁴ और लैम्डा 3.75 × 10⁻¹⁷ मीटर, सर मैंने 3.75 को 4 के अप्रोक्स करके किया सर, वो चलेगा 3.75 अगर आप 4 आ रहा है सर, तो फ्रीक्वेंसी 8 है 3.68 में 3.38 नहीं सिर्फ 8 सर 8 × 10⁻¹⁴ आया, चल देख लेते हैं, एनर्जी अपन को गिवन है 3.4 × 1.602 × 10⁻¹⁹, ये तो जूल्स में एनर्जी था, ये था 20 × 10⁻¹⁶ और लैम्डा मुझे कैलकुलेट करना था, तो पहले तो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ, ये मेरे पास अगर मैं कैंसिल करूंगा तो 10⁻¹⁷ हो गया, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 20 × 10⁻¹⁷ डिवाइड बाय कर लूंगा मैं इसमें दैट इज 3.4 × 1.6, तो अगर 3.4 × 1.6 करेंगे तो कैलकुलेट करके 1.5 × 3.5, सो 1.5 × 3.5 विल बी इक्वल टू 3 और 1.5 × 3.5, सो 3 × 3.5 उसका आधा होगा 3 × 1.75, सो इसमें अगर मैं 1.75 ऐड करूं 3.5 में तो 5.5 से कैंसिल करूंगा तो फोर्सेस बहुत छोटा है, ठीक है, लैम्डा मेरे पास 3.75 सही आ रहा है 10⁻¹⁷ मीटर्स के, ये लो भाई ये तो लैम्डा है, 3.6 आया, और अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो सी बाई लैम्डा कर लेते हैं भाई, लैम्डा अपन को गिवन है, सी अपन को गिवन है 3 × 10⁸ होता है और लैम्डा कितना है 3.75 × 10⁻¹⁷, हाँ तो फ्रीक्वेंसी ऊपर ये 3 जो होगा वो ऑलमोस्ट आ जाएगा अपने पास पॉइंट, क्योंकि 3 अपॉन राइट ना, मैं इसको 300 कर लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ 370 में, तो ऊपर 2 जीरो मतलब 8 हो जाएगा और इसको लेके जाऊंगा तो मैं 10⁻¹⁷ को ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना आएगा 15 आ गया, तो ये थोड़ा छोटा आएगा, तो अपने पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपने पास 25 से कैंसिल करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 12/25 से कैंसिल करता हूँ, तो 3, 4, 12 और 12 और 15 12/15 × 10⁸ 0.8 तो 0.8 × 10⁻¹⁵ मतलब 8 × 10⁻¹⁴ पर सेकेंड आ रहा है, ये लो भैया ये आपका फ्रीक्वेंसी है और ये आपका वेवलेंथ है, तो अपन ऐसे सर वो 8 × 10⁻¹⁴ होगा, हाँ हाँ लिख ले कोई बात नहीं, चलेगा ना, ऊपर लिखा था ना तो अपन को दिख रहा है कि मतलब सर भूल गए होंगे वो बात कर लो सर, बोलो मेरा वेवलेंथ, अब वेवलेंथ लिखा हुआ जो वेवलेंथ है वो इतना ही होगा 3.75 या 3.6 से लेकर 3.8 सर फ्रीक्वेंसी लिखा है आपने,
अरे जो भी होगा मैंने तुम्हें कैलकुलेट करके बताया ना फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये वेवलेंथ आ रहा है सर। एक डाउट है, बोलो सर। मेरा वेवलेंथ 3.6 into 10^-7 आ रहा है, चलेगा ना? हाँ तो चलेगा ना, मैंने बोला ना कि वेवलेंथ आपका 3.6 से लेके 3.8 × 10^7 मीटर आ रहा है, आपका आंसर करेक्ट है। मैनुअल किया ना सारा कुछ, कैलकुलेटर से थोड़ी कैलकुलेट किया, तुमने कैलकुलेटर यूज किया है तो फिर अलग बात है। सर मैंने फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए E is equal to H into frequency वाला फॉर्मूला यूज किया। फिर तो लॉन्ग लेंथी मेथड किया हमने, चलेगा लेकिन लेंथी मेथड यूज किया वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो करते। सर जैसे आपने पहले वेवलेंथ निकाल के उससे फ्रीक्वेंसी निकाला, मैंने पहले फ्रीक्वेंसी निकाल के फिर वेवलेंथ निकाला, वो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। अब चलो एक, अब अपन ने ये छोटा छोटा फॉर्मूला जो है ना, इससे फॉर्मूला निकाल के उसमें डाल दिया, उससे फॉर्मूला निकाल के इसमें डाल दिया, वो हो गया। अब जरा क्वेश्चन लिखो, एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखो, मैं डिक्टेट करता हूँ। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंट, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन। Calculate the wave number of radiations of wavelength 480 nanometers. Calculate the wavelength of radiations 480 nanometers. बताओ भाई wave number कैसे calculate करोगे? Wave number होता क्या है? 1/λ. तो फिर ऐसे ही कर लेते हैं। तो इसकी जरूरत क्या है? सीधा लैम्डा दे रखा है वेव नंबर आगे। नो भाई, लेकिन वेव नंबर ना अपन को 480 डिवाइडेड बाय ये नैनोमीटर है ना, तो अपन को ऐसे करना पड़ेगा 1/480 इनटू, या तो मीटर में कन्वर्ट करो या नैनोमीटर में कन्वर्ट करो, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1/48 × 10^9 हो जाएगा, एक कैंसिल करूंगा, 8 आ, इसको 100 बनाता हूँ, इसको 48 बनाता हूँ, इसको 10^6 बनाता हूँ। ये मीटर्स कन्वर्ट किया था, इसलिए यूनिट मेरा पर मीटर होगा। 48 है तो इसको मैं लिखता हूँ 2.08 के आसपास इंटू 10^6 पर मीटर लिखूंगा। बोलो, इधर एनर्जी का रिलेशन नहीं था, अगर कुछ और होता तो रिलेट करते। अब लिखे दूसरा क्वेश्चन, लिखे यस सर। लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, नैनोमीटर्स इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज द लिथियम आयन, लिथियम एटम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर्स इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज लिथियम एटम। कैलकुलेट कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इन किलोजूल पर मोल, इन किलो जूल पर मोल। मैंने आपको पहले कहा था कि वेवलेंथ अगर हमें गिवन है
तो अपन एक एनर्जी निकाल सकते हैं, मतलब एक एटम का एनर्जी मैं इससे निकाल सकता हूँ, E is equal to hc by lambda c. मैं एक एटम का एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूँ, थर्मोल में मैं कन्वर्ट करना मुझे आता है, अगर एक एटम का मेरे पास है तो एक मोल का एनर्जी कितना होगा वो अपन को पता है, बाकी आप देख लो अपने. सर आया? हाँ सर, हाँ सर. एक्सप्लेन करूं सर? बोलो. 40.1 × 10⁷ किलो जूल पर मोलर है सर. 400 आ रहे हैं सर. 400 है. 421.4. एक बार चेक कर लो. देख, मैंने HC by lambda से जूल में एनर्जी कैलकुलेट की, और जब जूल होगा तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 10³ से डिवाइड कर दिया. जो जूल्स आया था ना मेरे पास, ये जूल्स था अपने पास, तो मैंने इसको 1/10³ से डिवाइड करके किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया. अब किलो जूल ये तो एक एटम के लिए था ना, तो वन मोल एटम के लिए बताना है मुझे पर मोल ऑफ एटम्स. तो एक एटम का इतना किलो जूल था, तो वन मोल ऑफ एटम के लिए कितना, तो मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा. राइट ना? किसी को डाउट है? नहीं सर. नहीं है ना किसी को डाउट? ये एक एटम के लिए हो गया ना किलो जूल में.
तो एक मोल एटम के लिए कितना होगा? तो कहेंगे एक एटम को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एनए से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अपन बोलेंगे ना एक एक बनाना है और वन डजन के लिए कितना चाहिए, तो अपन 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपन ने कहा भाई एक एटम के लिए है और वन मोल के लिए चाहिए, तो एनए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर अपना आ रहा है, इसको 10 की पावर 29 करूंगा तो ये 10 की पावर माइनस 20 आ जाएगा, ये 2/30 कर लेता हूं और ये आ जाएगा मेरे पास, दैट इज 2 × 10 और ऊपर ले जाता हूं, तो 10 की पावर माइनस 21 डिवाइड बाय 3 कर लेता हूं और एनए को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसको 6 × 10 की पावर माइनस 23 ले लेता हूं, तो 400 आ रहा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 × 10 की पावर 2 आ रहा है, 400 आ रहा है मेरे को, 400 किलो जूल पर मोल। सबका आ रहा ना? यस सर। देखो भाई कैलकुलेशन में तो ज्यादा 421 आया, ये 10 की पावर 21 हो गया ना? हाँ सर 401 आया, 421। अरे 421 आ रहा है? हाँ सर, मैंने 6.02 लिया और वो 2/30 था, उसको 1/15 करके 0.07 किया। नहीं सर, मैंने 6.023 लिया तो मेरा 400 बना। चलेगा सर, 400.1 आ रहा है। चलेगा चलेगा, आंसर चलेगा। किसी को डाउट है तो बोलो कैलकुलेशन में। तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन बोलूं? यस सर। चलो देखते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ तुम लोग, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशंस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशंस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 4.7 × 10⁻³ पर सेकेंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 4.7 × 10⁻³ पर सेकेंड that must be absorbed frequency this that must be absorbed that must be absorbed to melt the 5 gram of ice to melt the 5 gram of ice to melt 5 gram of ice अपन को पता है क्या क्वेश्चन है, वो रेडिएशन हिट करके अपन आइस को मेल्ट करने वाले, ठीक है ना? लिखो आगे, लिखो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस इज 3 जूल्स, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस इज 3 जूल्स। तो कैलकुलेट करो भाई द नंबर ऑफ क्वांटा रिक्वायर्ड। सर कितना जूल्स इसके लिए? क्या आइस के लिए कितना जूल्स चाहिए? मेल्ट 5 ग्राम ऑफ आइस है, 333 जूल्स ना? तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। ठीक है,
सर 53.5 × 10^21 आ रहा है। देखो भाई सर 53.53 × 10^21 आंसर है। सर 53.7 × 10^21 सर 53.46 × 10^21 अच्छा एनर्जी कितना है आपने पास? आप क्वेश्चन में दे रहे हो कि आप एक ग्राम को अगर मेल्ट 1665 तो 333 चाहिए। मतलब एक बार तो देख लेते ना, एक ग्राम को मेल्ट करने के लिए इतना फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है, इतना एनर्जी लगेगा फ्रीक्वेंसी। तो अपन को 5 ग्राम मेल्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है इसका मल्टीप्लाई 5 कर लेते हैं तो एनर्जी कितने अपन को 3 3 3 n कैलकुलेट करना है 6.626 × 10^-34 लेना है अपन को और मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी अपन को गिवन था 4.7 × 10^13। अब शुरू हो जाते हैं अपन तो ये कैंसिल कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा अपने पास -21 आ जाएगा। n कैलकुलेट करना है तुमको तो कुछ कैलकुलेशन है क्या 5 × 333 है डिवाइडेड बाय 6.626 × 4.7 × 10^21 इसको सॉल्व कर लेते हैं सर 53.46 के आसपास आ रहा है तो अपन अगर कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर जो 53.5 बोल रहा है सर 53.7 आ रहा है चलेगा सर 53.7 53.7 मेरे ख्याल से चलना तो चाहिए। मेरा आंसर जो है 53.7 वो 53 से 53 और 54 के बीच में कुछ भी हो 53 और 54 दोनों में से कुछ भी चलेगा तो आंसर अपन को अगर आपका 53.5 आ रहा है मतलब आंसर अपन को लिखना पड़ेगा 54 × 10^21। तो 53 और 54 के बीच में आप डेसिमल कुछ भी लिखोगे आपका आंसर सही है। मतलब ये आपको पता चल गया ना, देखो यूज करना होता है अपन को HC/λ ही। अपन को डिफरेंट तरीके से वो क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं, कभी आइस को मेल्ट करवा लेंगे कभी कुछ करवा लेंगे लाइक दैट अपन को क्वेश्चन देंगे। तो इस टाइप से अपन को क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। एग्जाम रहेगा HC/λ से ही कोरिलेटेड सब कुछ, बस वो थोड़ा सा डेली लाइफ से कुछ कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल उठा लेंगे, आइस मेल्टिंग हो गया या आयनाइजेशन हो गया लाइक दैट कुछ क्वेश्चंस, वो अपन को थोड़े से मतलब आइडिया होने चाहिए तो अपन को पता चल जाएगा। सो दैट इज अबाउट द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यहाँ पर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट थैंक यू सर। ठीक है तो sir, आज इतना ही पढ़ेंगे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सर एक डाउट, आपके पास होमवर्क है DPP नंबर 5। सर जो पिछला क्वेश्चन था उसमें लिथियम आयन की जगह अगर बेरिलियम आयन होता तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते।